चंद्रशेखर भाई को जब सरकार ने जेल में डाला और इतने ज्यादा इनके साथ प्रताड़ना की, इतना ज्यादा प्रताड़ित किए, तो चंद्रशेखर भाई 16 बनकर निकले और इनकी धज्जियां उड़ा दी। गोल्डन दास के साथ भी ये कुछ ना कुछ वैसे ही कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये दूसरा बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे गोल्डन दास भी। तो चंद्रशेखर आजाद गोल्डन दास बन गए हैं, ठीक है, आज गोल्डन दास बंद है, बस खत्म कर देंगे उनके करियर को। फिर कोई गोल्डन दास बनना नहीं चाहेगा, क्यों? उन्हें पता है कि हमें मारा जाएगा, हमें घसीटा जाएगा, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा। कोई गोल्डन दास नहीं बनना चाहेगा, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं बनना चाहेगा। इसलिए हम गोल्डन दास भाई के पक्ष में हैं, बिल्कुल जरूरत है। मैं कह रहा हूँ हर लोग चंद्रशेखर आजाद बने, हर लोग गोल्डन दास बने, हर लोग बने, क्यों नहीं बनेंगे भाई? हमें भी तो अधिकार मिले, आवेश में आ जाते हैं, मैं ही आवेश में जाऊंगा, मेरे बहन बेटी के साथ कोई अन्याय होगा तो मैं जायज है, ये जायज, बिल्कुल जायज है भाई। मैं तो कह रहा हूँ, देखो साफ बात, अगर संविधान लागू नहीं हो रहा है तो दो चार महीने के लिए छोड़ ही दो, आप हमारे ऊपर भी छोड़ दो। जो हमारे बहन बेटी का अत्याचार बलात्कार करता है, मैं उसको खड़े रोड पे जिंदा गाड़ दूंगा, मैं खुद कहता हूँ। क्यों? अगर हमारे लोग, हमारी बहन बेटी, क्या हमारे बहन बेटी के साथ गलत होगा तो हम आवेश में नहीं आएंगे, बिल्कुल आवेश में आएंगे। गोल्डन दास हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मुजफ्फरपुर हत्याकांड में गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तार की, भीम आर्मी के जितने सारे वो जो है उनके अंदर है। फिलहाल आपको बता दूं कि राजधानी गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर पूरे देश से 11 सितंबर वान की आत्मर के लोग यहां पर जुट रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप ही बताइए। मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई को जब सरकार ने जेल में डाला और इतने ज्यादा इनके साथ प्रताड़ना की, इतना ज्यादा प्रताड़ित किए, तो चंद्रशेखर भाई 16 बनकर निकले और इनकी धज्जियां उड़ा दी। गोल्डन दास के साथ भी ये कुछ ना कुछ वैसे ही कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये दूसरा बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे गोल्डन दास भी। तो चंद्रशेखर आजाद गोल्डन दास बन गए, ठीक है, बात आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कहता हूँ कि गोल्डन दास भी कहीं ना कहीं समाज की बात उठाते हैं, वो भी समाज के बीच जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो मनवादी मीडिया, मनवादी जो सरकार है, वो आंखें खोल ले और गोल्डन दास को जो गलत तरीके से फंसाया गया है और जो बहन की आवाज उठाने के लिए रूपा की गए थे वो जायज आवाज थी, और जानबूझकर वहां का पुलिस प्रशासन और सरकार जो है मनवादी सरकार गोल्डन दास जी को जेल में डाल रही है, तो उनको भी जेल से निकाले और होश में आ जाए उसके दिमाग। गोल्डन दास को तो पुलिस अपराधी बतला रही है, वो जानबूझकर फंसाया गया, षड्यंत्र रही है भैया। चंद्रशेखर को नहीं फंसाया गया क्या भाई? चंद्रशेखर भैया के साथ क्या षड्यंत्र नहीं किए? पैरों के नाखून खींच लिए, कितना प्रताड़ित किया, कितना मेंटल टॉर्चर किया भाई, गोल्डन दास साथ कर रहे हैं ये लोग। तो ये लोग तो जाहिल हैं, ये मनवादी सोच के लोग हैं, करेंगे ये। तो गोल्डन दास जैसे युवा की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत, क्यों नहीं जरूरत है, दोनों की जरूरत है भाई, चंद्रशेखर भैया की भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है, दोनों लोग काम कर रहे हैं। गोल्डन दास पर आरोप लगता है आ रहा है कि गोल्डन दास पुलिस से तूतड़ा की भाषा वाला प्रयोग करते हैं, थोड़ा सही है, थोड़ा शब्दावली पे थोड़ा ध्यान तो करना पड़ेगा, शब्दों को थोड़ा ख्याल तो रखना पड़ेगा, शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं अग्रेसिव होकर उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं, हमारी बेटी बहन के साथ रेप हुआ तो फिर कैसे बोले, अग्रेसिव तो बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल अग्रेसन तो आएगा, इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? जब बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ, उसके स्तन काट लिए गए, बॉडी के कई प्राइवेट पार्ट में चाकू मारे गए, तब सरकार में किसी को दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन वहां पर जाकर पुलिस वालों से थोड़ा सा कह दिया तो पुलिस वालों को बुरा लग गया। मतलब जब पुलिस तो कह रही है कि रेप नहीं हुआ है, अरे उनके कहने से क्या होता है, का मामला बता रही है, तो प्रेम प्रसंग में क्या होता है, जबरदस्ती करेंगे किसी के साथ भाई? प्रेम प्रसंग में आप जबरदस्ती करेंगे? हमारे संबंध दो प्रकार के होते, एक नैतिक एक अनैतिक। मेरी इच्छा है किसी के साथ जा सकता हूँ, और मेरी इच्छा नहीं तो जबरदस्ती कर लेंगे आप? ये तो क्रिमिनल है ना, क्राइम है, ये तो अपराध है, तो जो क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, उसके साथ क्रिमिनल जैसा ट्रीट होना चाहिए, है ना? तो चलिए, कहीं ना कहीं गोल्डन दास जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उस काम को जो तमाम देश भर के लोग जो है पसंद करते हैं, और देखिए एक अम्बेडकरवादी साथी हैं जो कि गोल्डन दास को लेकर कह रहे हैं कि अच्छा काम करते हैं, बाकी देखिए पूरे देश भर के लोग जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में देश के हर एक कोने से तमाम लोग जो है पहुँच रहे हैं। कहाँ से हैं? बिहार से। जिस कांड के बारे में बात कर रहे हैं उसमें से मैं 2 दिन पर निकल गया। क्या बोल, बड़ी बात करी, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, आप कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? वही जिस कांड की आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, मुजफ्फरपुर हत्याकांड। जी, आप जेल में गए थे? थाने से ही चले आए थे। थाने से क्या हुआ था? पुलिस कह रही है कि ये लोग अपराधी हैं, आए हुए भगदड़ मचा दिए, क्या सच्चाई? गलत बात है सब, हम लोग अपने हक की लड़ाई और आरक्षण को बचाने के लिए आए थे, हमारी आवाज सरकार तो सुनती नहीं है, तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आह्वान पे हम सब लोग दिल्ली में आए हैं। और अभी आप जिस कांड के बारे में जिक्र कर रहे थे ना, उस सुनकर मैं रुक गया, क्योंकि मैं 2 दिन पे आया हूँ वहाँ से। और तो क्या ऐसा चाहिए, वाकई में गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया, गोल्डन दास की गलती है, क्या ऐसा चाहिए? देखिए नहीं, वहाँ पुलिस मनमानी की है, पुलिस मनमानी की है, वहाँ के कुछ उपद्रवी लोग भी उसमें शामिल थे, वही लोग मनमानी करके
जातिवाद रूप दे दिए थे उसको। ऐसा कुछ नहीं, गोल्डन दास ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम वहाँ पे मेरे नज़र के सामने सब कुछ हुआ था। कहाँ से हैं आप? मैं राजेश कुमार टुंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। ये सरकार हम लोगों को जगाने का काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, ये जगा रही है हम लोगों को। हम सोए हुए थे लेकिन हमें जगाने का काम इस सरकार ने किया। कैसे जगा रही है आपको सरकार? ऐसे जगा रही है कि हमारे अधिकारों पे तलवारें चलाकर हमें जगा रही है। हमें नकोट रही है। कौन हक रही है? जैसे सोए हुए व्यक्ति को नकोटते ना तो वो जाग जाता है, इसी तरह से हम लोगों को जगा रही है। अब हम जागते जाएंगे और हम अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे लड़ते जाएंगे। अभी तो संसद में हमारा केवल एक ही शेर पहुंचा है। जिस दिन हमारे पूर्व मोहम्मद से शेर पहुंच जाएंगे उस दिन संसद जय भीम के नारों से गूंजने लगेगा। केवल एक के जय भीम के नारे से संसद में नारे के लिए मना कर दिया गया। क्या आज से पहले संसद में नारे नहीं लगे थे? क्या आज से 5 साल पहले जब सरकारें बनी थी जय श्री राम के नारे नहीं लगे थे? लगे थे। लेकिन इस बार जय भीम के नारे, जय बिरसा मुंडा, जय फूले पेरियार, जय जय भीम के नारे लगने से इस बार पेट में सभी के दर्द होने लगे। खलबली शेखर आजाद को लेकर बड़ा क्रेज है आप लोग के अंदर। क्यों? क्या उन्हें पता है कि अब भीम के मारने वाला एक शेर आ चुका है? अगर ये शेर इसी तरह से आवाज उठाएगा तो हमें हिलना पड़ेगा। हमें हिलना पड़ेगा अब। लेकिन हाँ, हम हमारे शेर ने इस सरकार को क्या पूरे भारत के जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं सबको हिला के रख देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 130 सांसद बने हुए बैठे हैं SC ST के, 131 हैं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता। केवल एक चंद्रशेखर उठाता है। क्यों? वो क्या SC ST नहीं आते? आते हैं वो केवल मरा लोग तो बोलते हैं। बहुत सारे लोग संसद में, पप्पू यादव हो गए, अभी जो राजस्थान से आए हुए हैं, ये हनुमान बेनीवाल जी, राजकुमार हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज़ को सुनते हुए, चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ सुनते हुए, वो भी उन्हें जगना पड़ रहा है। लेकिन अभी जरूरत है और बिल्कुल सभी अगर 131 साथी बोलने लगेंगे ना तो संसद हिल जाएगा। संसद जहाँ कहेगा, जहाँ पे 131 सांसद कहेंगे वहाँ पर उन्हें साइन करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ का अधिकार के आपने गोल्डन दास का जिक्र किया, मैं गोल्डन दास जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि दलितों में शीर्ष नेतृत्व की कमी है, बिल्कुल कमी है। और सौड़ों में हर घर में नेता है। कहाँ से आप ही बताइए? मैं UP के बनारस जिले से बिलोंग करता हूँ। गोल्डन दास की वीडियो देखी है? बिल्कुल, डेली देखते हैं भाई। कैसा काम लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बस मैं एक थोड़ा सा उनको कहना चाहूँगा कि जो आपका लैंग्वेज है संवैधानिक रूप में आप प्रयोग करिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कभी सवर लोग या पुलिस चाहेगी कि हमारे लोगों में कोई नेता पैदा हो? आज गोल्डन दास बंद है, बस ख़त्म कर देंगे उनके करियर को। फिर कोई गोल्डन दास बनना नहीं चाहेगा। क्यों? उन्हें पता है कि हमें मारा जाएगा, हमें घसीटा जाएगा, हमारे साथ अनैन अत्याचार होगा। कोई गोल्डन दास नहीं बनना चाहेगा, कोई चंद्रशेखर राजा नहीं बनना चाहेगा। इसलिए हम गोल्डन दास भाई के पक्ष में हैं, रहेंगे। और बाकी भाई गोल्डन दास भाई की नहीं, वैसे जो भी समाज में नेता हैं उनके पक्ष में हमेशा खड़ा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोल्डन दास एक ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। मैं जानता हूँ, मैं खुद हूँ आर्थिक रूप से कमजोरों का नेता बनना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। एक इंसान संघर्ष करके, स्ट्रगल करके अपने लोगों को जगा के नेता बनता है तो नेता नहीं है, वो समाज का सेवक है। अब ये पुलिस और तमाम जो सरकारी तंत्र है मिलकर उसे दबाने की कोशिश कर रही हैं। और अगर हमारे समाज के लोग नहीं जागेंगे तो आज गोल्डन दास खत्म हो जाएगा, फिर वो टूट जाएगा। टूट जाएगा तो फिर ऐसा लगेगा कि अब कोई गोल्डन दास पैदा होने वाला नहीं है। क्या लगता है गोल्डन दास जैसे युवा की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मैं कह रहा हूँ हर लोग चंद्रशेखर आजाद बने, हर लोग गोल्डन दास बने, हर लोग बने। क्यों नहीं बनेंगे भाई? हमें भी तो अधिकार मिला है, हम भी तो राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं कि हम जो जो आए हैं बस उनके तलवे चाटने के लिए आए हैं। ठीक है, अधिकार है तो आप पुलिस से तू तड़ाक वाली भाषा में बात करें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो संवैधानिक लैंग्वेज है गोल्डन दास जी को बस थोड़ा सोच सुधारिए। देखिए कहना है गोल्डन दास का, ये कहना उनके समर्थकों का कहना है कि हमारी बेटी बहन के साथ रेप हो जाए और हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करें। इसीलिए वो आवेश में आ जाते हैं, मैं आवेश में जाऊंगा, मेरे बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार होगा तो मैं जायज है, ये जायज, बिल्कुल जायज है भाई। मैं तो कह रहा हूँ देखो साफ बात, अगर संविधान लागू नहीं हो रहा है तो 2-4 महीने के लिए छोड़ ही दो आप, हमारे ऊपर भी छोड़ दो। जो हमारे बहन बेटी का अत्याचार बलात्कार करता है मैं उसको खड़े रोड पे जिंदा गाड़ दूंगा, मैं खुद कहता हूँ। क्यों? अगर हमारे लोग हमारी बहन बेटी का हमारे बहन बेटी के साथ गलत होगा तो हम आवेश में नहीं आएंगे, बिल्कुल आवेश में आएंगे। गोल्डन दास हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। चलिए देखिए, एक मिनट देखिए, गोल्डन दास के रिहाई को लेकर आपको बता दूं, गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते थे, कहीं ना कहीं पूरे देश भर के लोग गोल्डन दास के कामों को पसंद करते हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर देखिए सभी लोग के अंदर आक्रोश है। इसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जातिवाद को लेकर, आदिवासियों को लेकर,
एक हट्टा हम इसलिए हुए हैं, हमने तारीख रखी थी 11 सितंबर को, तो आज हमें न जैसे हमारे भाई बोलेगा चंद्रशेखर आजाद जावन, हम ऐसे ही करेंगे। भाई ने बोलेगा रोड पे निकलो तो रोड पे निकलेंगे, भाई बोलेगा हम वही काम करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भाई के लिए जान भी दे सकते, जान भी दे सकते हैं। भाई अभी बोलेंगे ऊपर से कुछ जा, हम ऊपर से कुछ जाएंगे, क्योंकि अब हम जुल्म सहन नहीं करेंगे। तो चंद्रशेखर आर्मी है, जुल्म बिल्कुल सहन नहीं होगा, और हक की लड़ाई में हम बारिश आए चाहे ओला आए, हम आए और आगे भी आएंगे, हमेशा संघर्ष चलेगा। चलिए देखिए, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर गोल्डन दास हो, उस तमाम जो है समाज के लिए जो इस तरीके से काम करने का काम किया है, तो उसका क्रेज जो है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज देखिए पूरा जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है खाचा खच जो है भीड़ से भर गई है, और सभी लोग जो है सरकार के खिलाफ में कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और देखिए सबके हाथों में जो है आप देख सकते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरें है। फिलहाल इस तरीके से गोल्डन दास के भी बारे में तमाम लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं इस इंदिरा गांधी स्टेडियम से। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।